हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जो रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि क्या मेजर हाइलाइट्स हैं, आखिर ये रिपोर्ट है क्या, इंडिया का क्या पोजीशन है, इन तमाम बातों पर आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। जैसा कि हर साल जब भी यह रिपोर्ट आता है तो 3 साल का एग्रीगेट इसमें डाटा होता है, उसके अकॉर्डिंग यह रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। और लगातार 7 सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो रैंक 1 का पोजीशन है उस पर फिनलैंड जो है अपना पोजीशन बरकरार रखा है। इस साल के भी रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वह टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। फिनलैंड हैज वंस अगेन क्लेम द टाइटल ऑफ वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू द एनुअल UN स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और चूंकि ये जो रिपोर्ट है UN के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है और इसमें 7th कंसेक्यूटिव ईयर में फिनलैंड जो है वह टॉप पोजीशन पे बना रहा है। अबाउट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब बात करते हैं पहले इस रिपोर्ट के बारे में कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या। तो द एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पार्टनरशिप ऑफ गैलप, द ऑक्सफोर्ड वेलविंग रिसर्च सेंटर, the UN Sustainable Development Solution Network and the World Happiness Report Editorial Board का यह एक annual data होता है जिसमें different parameters पे 6 major इसके parameters होते हैं, उन parameter के basis पे जो score होता है उसके according country को ranking दिया जाता है। In this report, it is based on global survey data from people based on people's own assessment of their happiness एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। तो बेसिकली ये एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें पीपल का जो असेसमेंट होता है, खुद का असेसमेंट होता है, उनका जो हैप्पीनेस होता है, जो उनका वेलबींग होता है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो चाहे सोशल कंडीशन हो, उनके इन कंडीशन के बेसिस पे जो सर्वे से जो डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग यह रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। एंड इट कंसिडर्स 6 key factors और 6 major factors है जिसपे यह रिपोर्ट बेस्ड होता है। जैसे सोशल सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, इनकम की बात करते हैं, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड द अब्सेंस ऑफ करप्शन। सो दीज आर द 6 basic कह सकते हैं 6 जो key factors है जिसपे यह सर्वे बेस्ड होता है। इट असाइन ए हैप्पीनेस स्कोर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ द डाटा ओवर 3-year period और यह जो रिपोर्ट होता है वो 3 साल का जो एवरेज डाटा होता है उसी पे यह बेस्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह 2024 का इस बार का रिपोर्ट रहा है तो जो यह डाटा होगा 2021 से लेके 23 के बीच का, और उसी के अकॉर्डिंग इस 6 key parameters पे जो डाटा कलेक्ट हुआ होगा उसी के एवरेज के अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। अब हम की मेजर हाइलाइट्स की बात करेंगे इस रिपोर्ट में। हाइलाइट्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, अगेन जो नॉर्डिक कंट्रीज है continue to dominate the top ranking and Finland top the list for the 7th year in a row. आप देख सकते हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज है लाइक स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये कंट्रीज जो है वह नॉर्डिक कंट्रीज है और पिछले लगभग कुछ सालों से लगातार ये अपने टॉप पोजिशन पर बरकरार रख रहे हैं। उसमें जो फिनलैंड है उसका रैंक 1 रहा है लगातार 7 सालों से। द अदर टॉप 10 countries आर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अदर टॉप 10 countries है। आउट ऑफ 140 countries सर्वेड अफगानिस्तान रिमेन एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। जब से तालिबान ने कैप्चर किया अफगानिस्तान को तब से यह बॉटम पे बना हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी हैव स्लिप्ड आउट ऑफ द टॉप 20 हैप्पीनेस्ट नेशन लैंडिंग एट 23rd एंड 24th प्लेस रिस्पेक्टिवली। और यह कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जर्मनी और US जो है टॉप 20 में से बाहर है और उनका जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है वह 23rd एंड 24th है। द रिपोर्ट अंडर स्कोर अ चेंज वेयर इन द हैप्पीएस्ट कंट्रीज नो लॉन्गर इंक्लूड एनी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। इस ये जनरल बात है कि जो सबसे वर्ल्ड के पॉपुलस कंट्रीज है उसमें से जो भी कंट्रीज है पॉपुलस वो कह सकते हैं टॉप रैंकिंग में नहीं है।
ओनली द नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ विथ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 15 मिलियन आर प्रेजेंट इन टॉप 10। और नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसे दो कंट्रीज है जो 15 मिलियन से अधिक पॉपुलेशन होते हुए भी ये टॉप 10 में है। अदरवाइज जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है वह इस रिपोर्ट में बहुत टॉप रैंकिंग में नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो टॉप 10 रैंकिंग है, सबसे ऊपर में फिनलैंड है, अगेन डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। तो आप देख सकते हैं ऊपर में जो फोर रैंकिंग है वो नॉर्डिक कंट्रीज ही है। उसके बाद आता है पोजिशन फिफ्थ पे इसराइल, सिक्स नीदरलैंड, सेवन नॉर्वे, एट लग्जमबर्ग, नाइन स्विट्जरलैंड एंड टेंथ पोजीशन पे जो ऑस्ट्रेलिया है। ये टॉप 10 रैंकिंग कंट्रीज है जिसमें जो ये ऑस्ट्रेलिया है और जो नीदरलैंड है ये दो ही ऐसे मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है जिनका पॉपुलेशन 15 मिलियन से अधिक है तब भी ये टॉप 10 रैंकिंग में है। अब हम बात करते हैं इंडिया का पोजिशन क्या रहा है। तो इंडिया के पोजीशन में जो पिछले साल का जो रहा है, इससे पहले का जो रिपोर्ट आया था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, सेम पोजीशन है इंडिया का, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिला है। इंडिया इज रैंक्ड 126 ऑन द लिस्ट, द सेम एज द लास्ट ईयर इन द हैप्पीनेस इंडेक्स। ओल्डर एज इज एसोसिएटेड विथ हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन इन इंडिया। जो ओल्डर एज पॉपुलेशन है वो अधिक सेटिस्फेक्शन का जो इसमें डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो अधिक सेटिस्फाइड है। द रिपोर्ट सेड दैट older Indian men, particularly those in higher age brackets, presently married and those with an education, tend to report a greater life satisfaction compared to their counterparts. However, older women in India report lower life satisfaction than older men. ये इस रिपोर्ट के डाटा हैं। Satisfaction with living arrangements, perceived discrimination, and self-rated health emerged as the top three predictors of life satisfaction. So India में स्थिति ये है कि जो older age population है, especially हम male की बात करते हैं, जो educated है और presently married है, वो ज़्यादा satisfied है as compared to their counterparts. Means जो female और male की बात करें older age में, तो male are more satisfied as compared to female इस report के according. और India के ranking में कोई change नहीं आया है। तो ये था आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जो रिसेंटली रिलीज किया गया, जिसपे नॉर्डिक कंट्रीज लगातार टॉप रैंकिंग में बने हुए हैं और मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के कैटेगरी में दो ही ऐसे कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जो टॉप 10 रैंकिंग में रहे हैं। और इंडिया और जो जर्मनी और कह सकते हैं यूएस जो है वो पहली बार ऐसा हो रहा है एक डिकेड में जब वो टॉप 20 में नहीं है। उनका पोजिशन जो है 23rd एंड 24th पे है। इंडिया का जो पोजिशन है वह 124th पे बरकरार है, 126th पे बरकरार है, जो कि सेम रहा है जो कि पिछले साल रहा था। तो यही था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।